टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस में कई ऐसे कंटेस्टेंट आए जो काफ़ी विवादों में रहे। किसी को तो कंट्रोवर्सी में फंसना फायदेमंद रहा, पर किसी को इसके चलते शो से बाहर भी जाना पड़ा। आइए आज हम आपको बताते हैं बिग बॉस के अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट के बारे में। बिग बॉस सीजन 6 में आए इमाम सिद्दीकी अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर में से एक रहे हैं। सलमान खान को टाइम आउट कहने से लेकर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा को सुपरस्टार बनाने के उनके बड़े बड़े दावों तक इमाम हमेशा ही विवादों में रहे। उनका विवादों में रहना फायदेमंद भी रहा, दर्शकों का मनोरंजन तो हुआ ही, साथ ही वह फिनाले वीक तक पहुंचे थे। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सपना बबनानी भी बिग बॉस के सीजन 6 में आई थी। इस दौरान उन्होंने सलमान खान के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए थे, जिससे उन्हें शो में बहुत कंट्रोवर्सी मिली थी। बिग बॉस सीजन 7 में आए कुशल टंडन को कंट्रोवर्सी के चलते शो से बाहर जाना तक पड़ा था। दरअसल तनिष्का मुखर्जी और वीजे एंडी के साथ हाथापाई के चलते उन्हें बिग बॉस 7 से हटा दिया गया था। हालांकि वीजे एंडी और तनिष्का के साथ झगड़े ने न केवल उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया, बल्कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ट्वीट भी किए गए। गौहर खान के साथ उनका रोमांस भी आकर्षण का केंद्र था। बिग बॉस 7 में ही अरमान कोहली अपने अग्रेसिव नेचर के चलते सुर्खियों में आए। शो के दौरान अरमान को लोनावला पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। एक टास्क के दौरान शो पर अरमान और सोफिया हयात के बीच बहस हो गई। अरमान ने सोफिया को झाड़ू से मारा और इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज की गई थी। राहुल महाजन बिग बॉस के सबसे दिलचस्प और फनी कंटेस्टेंट में से एक थे। मोनिका बेदी और पायल रोहतगी के साथ उनके रोमांस ने शो में मसाला बनाए रखा। अपने रोमांस के अलावा राहुल को घर की दीवार पर चढ़ने के लिए भी याद किया जाता है, जिसके चलते वह शो से बाहर हो गए थे। बिग बॉस के घर में एंट्री के साथ ही कमाल राशिद खान ने भी सुर्खियां बटोरी थी। डिजाइनर रोहित वर्मा के साथ उनकी लड़ाई बहुत कंट्रोवर्सी में आई थी। रोहित वर्मा पर बोतल फेंकने और शमिता शेट्टी को मारने की कोशिश के बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। बिग बॉस के 11वें सीजन के कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा भी शो के दौरान कई विवादों में आए। उन्हें शो के होस्ट सलमान खान के गुस्से का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि प्रियांक ने शो में आकाश ददलानी के साथ हाथापाई की थी और इस वजह से प्रियांक को शो से निकाल दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी वाइल्ड कार्ड के जरिए दोबारा शो में एंट्री हुई। बिग बॉस के 11वें सीजन में आए जुबैर खान ने शो में आते ही लड़कियों को अपशब्द कहे थे। उनके ऐसे व्यवहार की वजह से सलमान खान ने उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।